नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल इक्विटी मार्केट में। दोस्तों आज हम जिस शेयर के बारे में बात करने वाले हैं उसका नाम है जेपी पावर। तो जेपी पावर जो शेयर है पावर सेक्टर का एक दमदार शेयर है। इसने काफ़ी ज़्यादा लोगों को पैसा बना के दिया, अच्छा खासा रिटर्न जनरेट किया है पिछले कुछ महीनों की अगर मैं बात करूँ तो लोगों ने इस पर अच्छा खासा भरोसा दिखाया था। जैसा कि आपको पता होगा कि पावर का बूम चल रहा है, पावर के बूम की वजह से ही ये शेयर भी काफ़ी ज़्यादा तेज़ भाग रहा था और काफ़ी ज़्यादा तेज़ी पकड़े हुआ था। लेकिन इसमें थोड़ा सा दिक्कत हो गई थी, थोड़ी सी इसमें गिरावट भी देखने मिली थी। गिरावट वो क्यों आई थी, मैंने आपको बताया था कि इसमें प्रॉफिट बुकिंग देखने मिली थी क्योंकि इसमें अचानक से इतनी ज़्यादा तेज़ी आ गई थी तो इसमें प्रॉफिट बुकिंग ना आना लाजमी था। इसका RSI भी ठीक ठाक ऊपर पहुंच गया था जिसकी वजह से लोगों ने इसमें प्रॉफिट बुकिंग की और ये इसमें गिरावट देखने मिली और उसके साथ साथ लोअर सर्किट भी देखने मिला था। लेकिन अब ये लोअर सर्किट टूट चुका है और दोबारा से इसमें अब अपर सर्किट लग चुका है और अब ये दोबारा से तेज़ी पकड़ने की ओर बढ़ रहा है। और अगर ये अब तेज़ी पकड़ लेता है फिर ये बहुत तेज़ भागने वाला है, ये बात भी पक्की है। दोस्तों इस वीडियो में हम जिन टॉपिकों को कवर करने वाले हैं हम बताएंगे आपको आगे कि इसके क्या लेवल और टारगेट होने चाहिए और कंपनी कितनी फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है। जो लोग नहीं पता है, जो लोग नए लोग इन्वेस्ट करने जाते हैं उन लोगों के लिए मैं बताऊंगा कि कंपनी निवेश करने के लायक है कि नहीं है और कहां तक ये शेयर जा सकता है, मैं आपको सब बताऊंगा इस वीडियो में। अब बस आप वीडियो में अंत तक बने रहिए, वीडियो को इसके बिल्कुल मत कीजिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपको सारे नोटिफिकेशन और अपडेट मिलते रहें। तो हम चल के देखते हैं गूगल फाइनेंस चार्ट पर कि इसका कैसा क्या हालचाल चल रहा है आज के दिन। इसमें लगभग 4.72% का अपर सर्किट देखने को मिला। ये सर्किट एक दो बार टूटा भी लेकिन ये दोबारा से अपर सर्किट में आ चुका है। इससे 25 पैसे की आज तेज़ी देखने मिलेगी। अभी ये 5.55 रुपये पर ट्रेड कर रहा है। बहुत लोगों ने इसमें अपना पैसा लगा रखा है, बाइंग कर रखी है इसमें। अगर बात करूँ कि वीकली बेस पे इसका कैसा क्या हाल चल रहा है तो वीकली बेस पे देखें तो ये रोज़ गिर रहा था। इसमें लगातार पूरे वीक जो है गिरावट देखने को मिली और ये लोअर सर्किट भी खाता रहा पूरे वीक में। लगभग इसमें 9.02% की गिरावट देखने को मिली थी। लगभग 55 पैसे की इसमें गिरावट मिली थी एक अपने वीक में, लास्ट वीक में। और अगर मैं बात करूँ 1 मंथ की तो 1 मंथ में इसने काफ़ी अच्छे तेज़ी दिखाई थी, अच्छा लोगों को पैसा बना के दिया था। इसमें लगभग 4.05% की तेज़ी देखने को मिली थी 1 महीने में। अगर मैं बात करूँ 1.72 रुपये की इसमें बढ़ोतरी देखने को मिली है अगर 1 मंथ की मैं देखूँ। और अगर मैं बात करूँ 6 महीने की तो 6 महीने में इसमें लगभग 2.35 रुपये की तेज़ी मिली है। लगभग 73.44% की तेज़ी मिली है सिर्फ 6 महीने में। तो काफ़ी अच्छी तेज़ी दिखाई क्योंकि आपको बताऊं मैं जो जेपी ग्रुप है काफ़ी ज़्यादा लॉस में चल रहा है, काफ़ी ज़्यादा इसमें कर्जा है। मैं बात करूँ जेपी एसोसिएट की और जेपी पावर की और जेपी इंफ्रा, इनकी जो 3 बहुत महत्वपूर्ण कंपनियां हैं, तीनों कंपनियां काफ़ी ज़्यादा लॉस में थी लेकिन इनमें से जो जेपी पावर है वो अच्छा खासा परफॉर्म कर रही है और ये कंपनी प्रॉफिट में भी आना शुरू हो गई है, प्रॉफिट में आ चुकी है और अपने कर्जे भी धीमे चुका रही है और अच्छा परफॉर्म कर रही है। उसके साथ साथ अगर मैं बताऊँ कि जो जेपी ग्रुप का जो सबसे अच्छा मैं शेयर बनाऊँ कि सबसे बेस्ट जो शेयर है वो सबसे बेहतर में से एक सबसे अच्छा शेयर मैं जेपी पावर मैं बोलूँगा। अगर मैं कंपेयर करूँ तीनों इनको तो सबसे अच्छा है क्योंकि इनके रिजल्ट भी अभी हाल फिलहाल में जो आए थे रिजल्ट भी इनके काफ़ी अच्छे आए थे। कंपनी क्योंकि अब प्रॉफिट में आ चुकी है और धीमे धीमे ग्रो कर रही है और आगे अगर ये अच्छा परफॉर्म करते रहे तो ये और भी ज़्यादा तेज़ ग्रो कर सकते हैं। हम चल के देखते हैं कि फंडामेंटली कंपनी क्या स्ट्रॉन्ग है या वीक है। तो ये मैं बताऊँगा ये रिन्यूएबल एनर्जी से रिलेटेड कंपनी है और स्मॉल कैप कंपनी है। इनका मार्केट कैप जो है लगभग 3632 करोड़ के आसपास का इनका मार्केट कैप है। अगर मैं इनका पी और पीबी रेशियो बताऊँ तो पीई रेशियो इनका 13.60 का है जो कि सेक्टर के पीई से कम है क्योंकि सेक्टर जो है काफ़ी बड़ा है, सेक्टर में काफ़ी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं। मैं बात करूँ अडानी पावर की, बात करूँ रिलायंस पावर की बात करूँ तो काफ़ी बड़ी बड़ी कंपनी ऑलरेडी अवेलेबल है तो इसके वजह से इनका जो एक इनके कंप्यूटर जो है बड़े बड़े हैं जिसकी वजह से ये कंपनी इतनी ज़्यादा इसका पीए समय में नहीं आता है। लेकिन कंपनी काफ़ी अच्छी समय में आ रही है अगर अब देखें तो, क्योंकि कंपनी धीमे धीमे मैं आपको बताऊँगा कि क्यों अच्छी समय में आ रही है। पीबी रेशियो देखिए तो पीबी रेशियो इनका 0.36 का है जो कि सेक्टर के पीबी से कम है क्योंकि इनमें एसेट्स की भी कमी है। डिविडेंड का कोई भी डाटा अवेलेबल इनका नहीं है क्योंकि कंपनी में डिविडेंड तो देने के लिए अभी इतना ज़्यादा है नहीं कि डिविडेंड दें। अगर मैं बात करूँ आगे इनका कि फाइनेंशियल ट्रेंड कैसा रहा है, फाइनेंशियल ट्रेंड देखिए तो लास्ट ईयर जो 2019 और 2020 वाला फाइनेंशियल ईयर था इन पे लगभग 467.26% का लॉस हुआ करता था और 13.50% का रेवेन्यू माइनस में हुआ करता था। लेकिन अब देखें आप इनका पूरी कहानी इन्होंने पलट रख दी है, पूरी जो इनका जो माहौल था पूरा चेंज हो गया इनका। फाइनेंशियल 2020 और 2021 में इनका जो है प्रॉफिट जो है 112.35% का इनका प्रॉफिट हो गया, रेवेन्यू भी इनका 2.75% का हो गया। तो काफ़ी ज़्यादा इन्होंने रिकवरी दी है, काफ़ी ज़्यादा लॉस में होने के बावजूद भी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं और आगे धीमे धीमे बढ़ रहे हैं और आगे इनसे अगर ऐसे ही काम करते रहे तो काफ़ी तगड़ा ये परफॉर्म कर सकते हैं, ये बात भी पक्की है। तो अब हम चलिए देखते हैं फाइनेंशियल इनके कैसे क्या हैं, फाइनेंशियल उन्होंने कैसा परफॉर्म किया है लास्ट ईयर से अगर देखें तो। फाइनेंशियल आप कॉल करेंगे तो इनका टोटल रेवेन्यू देखें 3509 करोड़ के आसपास का हुआ करता जो अब जाके 3606 हो गया। तो इसमें बढ़ोतरी देखने को हमें मिल रही है, आप साफ साफ देख सकते हैं। सबसे महत्वपूर्ण जो बात है इस कंपनी के लिहाज से वो है इनकी नेट इनकम। नेट इनकम में अगर आप ध्यान दें कि माइनस 2162 के आसपास हुआ करती थी, अब जाके ये
पॉजिटिव नेगेटिव तो खत्म हो गई, उल्टा ये पॉजिटिव में आ गए, मतलब कंपनी अब प्रॉफिट में आ चुकी है, फाइनली कंपनी प्रॉफिट में आ चुकी है और अब कंपनी धीरे धीरे अगर डेट फ्री भी धीरे धीरे हो रही है और एक कंपनी खत्म जो होने वाले था जो जेपी ग्रुप उसको उसने बचा लिया है, उसको सस्टेन कर पा रहा है। अब जेपी ग्रुप काफ़ी तगड़ा है, इसने मैं इसको प्रोटेक्ट किया है पूरे ग्रुप को, जेपी बाबर ने बहुत अच्छा सहारा दिया है। तो मैं बात करूँ अर्निंग पर शेयर की, अर्निंग पर शेयर की माइनस का 3.37 हुआ करती थी, माइनस का 3.37 समझ सकते हैं आप कितना ज़्यादा थोड़ा खराब हालत थी, इनकी खस्ता हालत थी, लेकिन अब जाके पॉजिटिव में आ चुका है, 0.25 का इनका अर्निंग पर शेयर हो चुका है। तो काफ़ी अच्छी इन्होंने रिकवरी दी है पिछले कुछ बीते साल में, अच्छा खासा परफॉर्म किया है। अगर मैं बात करूँ होल्डिंग्स किसकी कितनी है, तो होल्डिंग देखें आप प्रमोटर होल्डिंग इसमें लगभग 26.02% के आसपास होल्डिंग जो है प्रमोटर की, जिसमें से 22.71% जो होल्डिंग है वो गिरवी पड़ी हुई है दूसरे लोगों के पास में। अच्छी बात जो है, सबसे महत्वपूर्ण जो बात है कि इनकी जो डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन की होल्डिंग है, जो आपको पता होगा GHW जो ग्रुप है, इन्होंने इसमें एक अच्छा खासा पैसा लगा रखा है, तो वो भी डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन में आते हैं, तो इसमें जो है इनकी लगभग डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन की जो होल्डिंग है लगभग 34.68% होल्डिंग ले रखी है, तो काफ़ी ज़्यादा भारी भरकम पैसा लगा रखा है DIA ने, तो बहुत ज़्यादा भरोसा इस कंपनी पर किया है। अगर मैं बात करूँ फॉरेन इंस्टीट्यूशन की, फॉरेन इंस्टीट्यूशन इसमें लगभग 0.63% का इसमें अपना होल्डिंग ले रखी है, और रेटेडर्स ने भी इसमें लगभग 38.66% की होल्डिंग ले रखी है, तो काफ़ी ज़्यादा लोगों ने पैसा लगा रखा है, बड़े लोगों ने भी इसमें काफ़ी ज़्यादा अपना भरोसा दिखाया है इस शेयर पे। अगर मैं बात करूँ कि इसमें म्यूचुअल फंड की कैसी क्या होल्डिंग, तो म्यूचुअल फंड में इसमें कोई भी होल्डिंग नहीं ले रखी है, म्यूचुअल फंड ने इसमें बिल्कुल भी पैसा अपना नहीं इन्वेस्ट किया है। अगर मैं बात करूँ कि पीयर्स कैसे हैं, इनके कंप्यूटर कौन है, तो इनके कंप्यूटर आप ध्यान से देखें तो इनके कंप्यूटर बहुत बड़े बड़े हैं, तो इनसे कंपेयर करना इसके लिए बहुत गलत होगा, क्योंकि जो इनका सबसे बड़े कंप्यूटर बात करूँ अडानी ग्रीन्स, तो उनको कंपेयर करना बहुत गलत होगा, क्योंकि अडानी ग्रीन तो एक अलग ही कंपनी है, बहुत तगड़े मतलब भाव में मिल रही है, और उनका पी या PB तो किसी पकड़ में आ ही नहीं पाया है इतना ज़्यादा, तो उनका अडानी ग्रुप से तो कंपेयर करना बेकार होगा, लेकिन NHPC जो लिमिटेड है इनसे कंपेयर आप कर सकते हैं। ये इसके मुकाबले अगर देखें तो इनका पी या PB काफ़ी अच्छे समय में आता है, लेकिन अभी भी ये इतनी ज़्यादा बड़ी कंपनी नहीं हो पाई है जो जयप्रकाश अपना पावर वेंचर से, कि इन कंपनियों से इनको कंपेयर किया जाए। तो अगर ये अच्छा परफॉर्म करते हैं आने वाले वक्त में, तो फिर हम इनको देख सकते हैं कि इन कंपनियों से इनको कंपेयर करना उचित होगा। मैं आपको चल के देखाऊँ चार्ट पे इसका कैसा क्या हाल चाल चल रहा है, तो चार्ट पे मैं हमने आपको लगातार हम इस शेयर को कवर कर रहे हैं, हमने आपको जहाँ लेवल दिए थे उसी लेवल से ये मतलब इसने रिकवरी दी और फिर से ऊपर बढ़ना चालू हो गया। अगर मैं आपको बताऊँ कि ये जो इसका लेवल था 3 रुपये के आसपास का, यहाँ से जब बढ़ना चालू हुआ था फिर इसमें हल्की गिरावट आई, फिर ये बढ़ना चालू हुआ, लेकिन ये जब इस लेवल पर पहुँचा 3.85 रुपये के आसपास के, इसने सीधी चढ़ाई कर दी थी ऊपर की तरफ, सीधे ये पहुँचा कहाँ पर अपना इसका ऊपर का टारगेट था कितना, 6.35 रुपये के आसपास, 40 रुपये का टारगेट था, इसने ये अचीव किया और यहाँ पर अच्छी खासी फिर प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली। ये जो लेवल था 6.40 रुपये का, यहाँ पे अच्छी खासी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली, उसके बाद से सीधे नीचे 2-3 दिन इसने नीचे क्लोजिंग दी, अच्छी खासी इसमें गिरावट आ चुकी है, फिर अब ये दोबारा से अपर सर्किल में आ चुका है और ऊपर की तरफ बढ़ना दोबारा से चालू हो गया है, और अब ये महत्वपूर्ण होने वाला देखना कि कब तक ये ऊपर की ओर जाता है। तो मैं आपको बताऊँ कि ऊपर कहाँ तक जाएगा, तो ये जब मैंने आपको जब ये वीडियो बनाई थी लास्ट वाली, तो मैंने आपको बताया कि ये सबसे सपोर्ट का जो काम करने वाला बहुत अच्छा वो 5 रुपये के आसपास का और 4.70 रुपये के आसपास का, एग्जैक्टली ये लेवल बहुत अच्छे काम की जो मैंने आपको लेवल दिए थे, अगर आपने हमने पुरानी वीडियो देखी होंगी तो ये आपके लिए बहुत फायदेमंद रहे होंगे दोनों लेवल्स यहाँ से इतनी, क्योंकि बहुत तगड़ा सपोर्ट लिया है, ये दो लेवल बहुत महत्वपूर्ण काम किए हैं इस सपोर्ट के लिए, तो अगर आपने हमारी जो वीडियो देखी होंगी पुरानी वाली तो आप बहुत अच्छे फायदे में रहे होंगे। अब मैं आपको बताऊं कि सपोर्ट लेके ऊपर तो बढ़ रहा है, तो अब ये कहां तक जाने वाला है, तो कहां तक जाने वाला है उसका सवाल मैं आपको जवाब देता हूं कि ये अभी तो फिलहाल में सबसे पहले अपना जो इसने हाई बनाया था 6.40 रुपये का, ये अचीव करता हुआ दिखाई देने वाला है सबसे पहले आपको, 6.35-40 रुपये के आसपास का सबसे पहले ये अपना टारगेट अचीव करता हुआ दिखाई देगा आपको बहुत जल्द ही, जैसे अब ये तेज़ी पकड़ रहा है जैसे जैसे वैसे ही ये अब काफ़ी जल्दी ऊपर जाके अपना ये 6.40 रुपये का टारगेट अचीव होते हुए दिखाई देगा। उसके बाद ये जो जिस टारगेट को अचीव करने वाला है वो टारगेट होने वाला है इसका 8 रुपये का, ये दूसरा इसका टारगेट रहने वाला है जो ये बहुत जल्द अपनी तेज़ी को बरकरार रखते हुए अचीव करता हुआ दिखाई देगा। 8 रुपये के आसपास का लेवल आप अचीव करता हुआ देख सकते हैं जल्द ही। और अगर मैं बात करूँ कि आप इसमें फ्रेश पोजिशन बना चाहते हैं, तो फ्रेश पोजिशन आप इसमें अभी बना सकते हैं आराम से, क्योंकि अब धीमे धीमे जो है अब इसमें तेज़ी आना शुरू हो गई है, तो आप इसमें फ्रेश पोजिशन ले सकते हैं, और इसमें आप अभी लॉन्ग टर्म के लिए ज़्यादा इतना उत्सुक ना हो, अगर आपके पास ठीक ठाक पैसा है तो आप इसमें लॉन्ग टर्म में देख सकते हैं, अगर आपको भरोसा है इस बहुत ज़्यादा कंपनी पर तो आप इसमें लॉन्ग टर्म में देख सकते हैं, बाकी अभी लॉन्ग टर्म में अभी इतना ज़्यादा इसमें भरोसा ना करें, आप शॉर्ट टर्म में इसमें खेल सकते हैं अपने लेवल के अनुसार, अपने टारगेट अचीव जैसे जैसे करते हैं आप अपने प्रॉफिट बुकिंग करते हुए चलें, और अपने रिस्क के अनुसार इसमें आप ट्रेड कर सकते हैं शॉर्ट टर्म में, तो आप ठीक ठाक में ट्रेड कर सकते हैं।
और मैं आपको दूँ लॉन्ग टर्म के टारगेट कौन से हो सकते हैं, तो लॉन्ग टर्म के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण टारगेट मुझे अभी दिखाई दे रहा है, सबसे बेहतरीन टारगेट दिखाई दे रहा है, वो दिखाई दे रहा है 10 रुपये, 10 पैसे के आसपास का टारगेट लॉन्ग टर्म का टारगेट मुझे दिखाई दे रहा है। तो ये होगा अपना शॉर्ट टर्म के लिए 6 रुपये 40 पैसे का टारगेट और 8 रुपये का लेवल, ये अपने शॉर्ट टर्म के लिए दो टारगेट अच्छे समय में आते हैं, ये आप नोट कर सकते हैं, दो टारगेट 8 रुपये और 6 रुपये 40 पैसे। और लॉन्ग टर्म के लिए अभी जो दिखाई दे रहा है टारगेट, वो दिखाई दे रहा है 10 रुपये 10 पैसे के आसपास का, तो आप इसे नोट कर सकते हैं। बहुत अच्छा ये टारगेट मुझे अचीव होता हुआ दिखाई देने वाला है बहुत जल्दी, तो आप भी इससे बहुत भरोसा कर सकते हैं इस टारगेट पर, और इस कंपनी पर भी आप ठीक भरोसा कर सकते हैं, क्योंकि जेपी ग्रुप की सबसे महत्वपूर्ण कंपनी है, इसको आप ये जेपी ग्रुप खत्म नहीं होने दे सकता काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि ये डिपेंड करता है जेपी ग्रुप इस कंपनी पर। तो दोस्तों यही तक था हमारा वीडियो, आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और इसी प्रकार से अपना प्यार आप बनाए रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद, और अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की सलाह लेते हुए अपना पैसा इन्वेस्ट कीजिए। तो यहीं तक था वीडियो हमारा, बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिंद एंड थैंक यू।